नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी प्री के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशल चैनल स्टार्ट कर रही है, उसी के क्रम में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में आपकी यूपीएससी प्री में और अन्य सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्री एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसके अंतर्गत मैंने आज एक छोटे से देश परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक देश मालदीव को कवर किया है कि मालदीव एक छोटा सा देश है लेकिन मालदीव से प्रश्न आपका बन सकता है। तो मालदीव पे जो प्रश्न बन सकते हैं किस किस डायमेंशन से बन सकते हैं, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले मालदीव से प्रश्न क्यों बनेगा उसको हम देखें। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर है। भारत के दक्षिण में स्थित यह देश सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन का मैरिटाइम सिल्क रूट मालदीव के बिना पूरा नहीं हो सकता, जबकि मालदीव भारत का एक नजदीक पड़ोसी राष्ट्र है। भारत एवं मालदीव के बीच में बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। दोनों ही देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, इसलिए परिस्थितियां भी लगभग एक जैसी है। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन के साथ और साथ ही साथ हाल ही में मालदीव के अंदर 2018 के अंदर जो इलेक्शन हुए, 2019 में भारत में चुनाव हुए, उसके बाद की जो तस्वीर बदली है, उस बदलती हुई तस्वीर को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी में मालदीव क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के साथ साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि मालदीव से आपके बेसिक प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम कि मालदीव से आपके प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले मालदीव की जो लोकेशन है, मालदीव जो है वो बेसिकली भारत के दक्षिण में, ये भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी माले है, मालदीव की राजधानी माले है, जो बेसिकली मालदीव के हुलहुले द्वीप पर स्थित है। जो ग्रुप है उसका नाम है हुलहुले, उस आइलैंड पर ये स्थित है। यहां की मुख्य भाषा दिवेई है, यहां की मुख्य भाषा दिवेई है, जो माना जाती है कि सीली भाषा से निकली हुई है, और कुछ मानते हैं कि यह एक प्रकार की इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। सबसे पहले मालदीव की राजधानी माले ये हुलहुले द्वीप पर स्थित है, यहां की मुख्य भाषा दिवेई है। और तीसरा, मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है, और इसके तमाम द्वीप जो हैं वो कोरल द्वीप है। कोरल कहते हैं मूंगे की चट्टान, जिसको हम प्रवाल द्वीप समूह भी कहते हैं। प्रवाल समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले छोटे छोटे, प्रवाल समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले एक छोटा जीव है, जिसके अस्थि पंजरों से प्रवाल द्वीप बनते हैं। आप देखो कि भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप समूह का एग्जाम्पल है, जबकि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रेणी की पर्वतीय भाग माना जाता है। तो इस आधार पर आप ये ध्यान दें कि मालदीव जो है वो बेसिकली एक प्रवाल द्वीप समूह है, और प्रवाल द्वीप समूह होने के कारण इसके समुद्र से ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि समुद्र से इसकी ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे नीचा द्वीप या समुद्र की तलहटी से सबसे कम हाइट पर स्थित जो देश है वो मालदीव है। और जिस प्रकार से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मालदीव ने अपनी चिंताएं बहुत बार जाहिर की है। इस क्रम में वर्ष 2009 में मालदीव के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अनी नसीद ने
समुद्र के अंदर जाकर अपनी कैबिनेट की बैठक की थी ये दिखाने के लिए कि आने वाले वक्त में मालदीव डूब जाएगा यदि ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। और इस प्रकार मोहम्मद अन्नी नसीद पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर जाकर अपनी कैबिनेट की बैठक करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह घटना 2009 की है, जब वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में डेनमार्क के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग पर सम्मेलन होने वाला था उससे जस्ट पहले उन्होंने समुद्र में जाकर यह बैठक की ताकि पूरी दुनिया का इस ओर ध्यान दिलाया जा सके कि मालदीव जैसे देशों को ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरा है। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट आपके सामने रखे, जैसे सबसे पहले मालदीव की राजधानी माले, और माले जो है वो बेसिकली हुलहुले द्वीप पर स्थित है। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा कोरल द्वीप समूह है जो लगभग 1200 द्वीपों से मिलकर बनता है। इसकी ऊंचाई समुद्र से मात्र 1.5 मीटर है, जिससे भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर से इसके डूबने की पूरी पूरी संभावना है। मालदीव के जस्ट उत्तर में भारत का लक्षद्वीप है, और एक बार किसी ने पूछा गया कि मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा अक्षांश अलग करता है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और आपसे ये पूछे कि मालदीव जिसकी जनसंख्या मात्र 4 लाख है, इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तब उस स्थिति में उत्तर होगा मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो टूरिज्म है, पर्यटन है। और आप देख रहे हो जिस प्रकार से COVID-19 के कारण पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव उन देशों पड़ेगा जो पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है। इसलिए आने वाले वक्त में मालदीव की अर्थव्यवस्था में संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि मालदीव पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है, और आने वाले कुछ समय के लिए अभी टूरिज्म पर विभिन्न देश रोक लगा के रखेंगे ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। इसलिए मालदीव ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता भी जाहिर की है, और भारत इस चिंता में किस प्रकार उसका सहभागी बन सकता है यह आने वाला वक्त बताएगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए। इन बेसिक पॉइंट्स के बाद में और कुछ पॉइंट, जैसे मालदीव शब्द आपसे पूछे कि मालदीव शब्द का अर्थ क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना मालदीव शब्द जो है वो मलयालम भाषा से बना है, जिसका अर्थ है द्वीपों की माला, मतलब बहुत सारे द्वीप जो है उन बहुत सारे द्वीपों की माला जो है उसे कहते हैं मालदीव। मालदीव जो है द्वीपों की माला है, ये बेसिकली मलयालम से बना हुआ एक शब्द है द्वीपों की माला। कुछ जगह पर तमिल भी कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमें ये जानना है कि ये इस शब्द का अर्थ है द्वीपों की माला। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जिसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख है, और द्वीपी यहां की मुख्य भाषा है। यह छोटा जरूर है, लेकिन ध्यान रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर दक्षिण एशिया में इसका प्रथम स्थान है, क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति आय और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो कई मानक है उनको मालदीव बेहतर तरीके से पूरा करता है। अतः दक्षिण एशिया में HDI में ये पहला स्थान रखता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे निचला द्वीप कौन सा है, तो उत्तर आपका मालदीव होगा। और मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उत्तर होगा गण। मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बेसिकली गण है। इसके बाद हम फिर आगे बढ़े। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वीपों का नाम
अरेबिक लिपि के आधार पर रखा गया है, अरेबिक स्क्रिप्ट के आधार पर। जैसे हमारे यहां पर जो हमारी देवनागरी भाषा है क, ख, ग, ग, घ, जैसे हमारे हमारे राज्यों का नाम रख दे क, ख, ग, घ, ऐसे ही जो मालदीव के आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो है उनका नाम अरेबिक स्क्रिप्ट के आधार पर रखा गया है। ये भी आप इसमें ध्यान रखें, अरेबिक स्क्रिप्ट के आधार पर रखा गया है। और आप अगर मालदीव की लोकेशन देखना चाहें तो ये भारत और भारत की यहां पर ये हमारा लक्षद्वीप है, ये 8 डिग्री चैनल है और इसके जस्ट दक्षिण के अंदर ये एक छोटा सा देश है जिसे हम मालदीव कहते हैं। और मालदीव में बहुसंख्यक जनसंख्या इस्लामिक है और इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो टूरिज्म पर्यटन है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब हम जस्ट मालदीव के इतिहास पे चले, इसकी इसके इतिहास को देखें तो ध्यान रखना मालदीव प्राचीन काल से ही अपनी लोकेशन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण देश था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में जब यूरोप की कई शक्तियां समुद्र के रास्ते भारत आने का प्रयास कर रही थी तो उनमें से कई शक्तियों ने मालदीव पर कब्जा करने का प्रयास किया, क्योंकि मालदीव सामरिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश था। इस क्रम में सबसे पहले मालदीव पर डचों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु जब इस क्षेत्र में अंग्रेज अर्थात ब्रिटिशर्स शक्तिशाली हुए तो उन्होंने डचों को यहां से बाहर निकाल दिया और मालदीव जो है वो ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया। तो यहां पर ये उल्लेखनीय है कि भारत श्रीलंका जो हमने कल की वीडियो पढ़ा था, भारत श्रीलंका मालदीव ये बेसिकली और यहां पर एक म्यांमार ये ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं और ब्रिटिश उपनिवेशों में कुछ समानताएं भी है उसको हम देखेंगे। तो मालदीव भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा और 1965 में कहते हैं कि 26 जुलाई 1965 में ये ब्रिटेन से आजाद हुआ। 26 जुलाई 1965 को ये ब्रिटेन से आजाद हुआ। अब जैसे ब्रिटेन से आजाद हुआ, आजादी के बाद भी मालदीव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां की सत्ता पर एक व्यक्ति विशेष का कब्जा हो गया जिनका नाम था मैमून अब्दुल गयूम। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, मैमून अब्दुल गयूम। ये बेसिकली मालदीव की राष्ट्रपति बन गए, मैमून अब्दुल गयूम। कुछ बुक्स में 1968 से इनका कार्यकाल दिया गया, तो कार्यकाल पर मत जाना, लेकिन लगभग 30 वर्षों तक, कुछ बुक्स में उससे भी ज्यादा दिया हुआ है, ये मालदीव की लगातार राष्ट्रपति रहे। ऐसा नहीं कि मालदीव में चुनाव नहीं होते थे, मालदीव में चुनाव होते थे लेकिन मैमून अब्दुल गयूम के सामने कोई खड़ा ही नहीं होता था, इसलिए ये निर्विरोध कई बार राष्ट्रपति बन जाते थे। कहने का मतलब मेरा यह है कि मालदीव आजाद जरूर हुआ ब्रिटेन से, लेकिन फिर एक व्यक्ति विशेष के हाथों चढ़ गया जिसका नाम था मैमून अब्दुल गयूम। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण एशिया में सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का रहा, तो मालदीव के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम का। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सार्क जो दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है उसकी उसके सम्मेलनों में सबसे अधिक बार किसने हिस्सा लिया, तो उत्तर होगा मैमून अब्दुल गयूम। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखें तो मैमून अब्दुल गयूम यहां की राष्ट्रपति रहे। अब एक टर्निंग पॉइंट इस देश में आता है जब वर्ष 2008 के अंदर, वर्ष 2008 में मालदीव में पहली बार बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर, मालदीव में पहली बार बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए।
लोकतांत्रिक चुनाव हुए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट टाइम मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहली बार बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर यहां पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, और उन लोकतांत्रिक चुनाव में एक युवा पत्रकार, मेरे हिसाब से उनकी उस समय 35 से 40 के बीच में रही होगी, एक युवा पत्रकार मोहम्मद अन्नी नसीद, जिनका नाम था मोहम्मद अन्नी नसीद, मोहम्मद अन्नी नसीद मालदीव की राष्ट्रपति बने। ये एक प्रकार से मालदीव में एक नया आगाज था, क्योंकि मैमून अब्दुल गयूम ने लगभग लंबे समय तक यहां पे सत्ता पे राज किया और उन्होंने अपना विकास जरूर किया, लेकिन इस देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस देश में कम से कम डेमोक्रेसी लाने में जिस व्यक्ति की भूमिका थी, उसका नाम था मोहम्मद अन्नी नसीद, जो पैसे से एक पत्रकार था। इस व्यक्ति ने यह संकल्प लिया कि वो मालदीव की दिशा और दशा को बदल देगा। अब मालदीव की दिशा और दशा को बदलने के लिए मालदीव को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाना जरूरी था, और जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो टूरिज्म है, पर्यटन है, और पर्यटन का एक हिस्सा है होटल्स और शराब। अब जब इसने इस प्रकार की लिबरल पॉलिसी अपनाई कि मालदीव जो बेसिकली एक इस्लामिक राष्ट्र है, हालांकि डिक्लेयर्ड इस्लामिक नहीं है, लेकिन वहां पर जो बहुसंख्यक जनसंख्या वो इस्लाम से है, और जब उन्होंने वहां पे शराब को अलाउ किया, शराब पहले से थी लेकिन बड़े स्तर पे जो अलाउ किया ताकि टूरिज्म को बढ़ा सके, इससे मालदीव का जो कट्टरपंथी इस्लामिक समाज था वो नाराज हो गया। एक तो घटना ये हुई। दूसरा, मालदीव के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था भ्रष्टाचार का, जो मैमून अब्दुल गयूम के खिलाफ था। कहते हैं कि मोहम्मद अन्नी नसीद सरकार को इस बात की आशंका थी कि उस समय के जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो मैमून अब्दुल गयूम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अतः यहीं पर एक गलती हुई मोहम्मद अन्नी नसीद से, और मोहम्मद अन्नी नसीद ने उस मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया। अर्थात मालदीव की सरकार और सुप्रीम कोर्ट आपस में टकरा गए। इसको वहां पर विपक्षी पार्टियों ने एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का नाम दिया कि मालदीव में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। यह किसके समय की बात है? मोहम्मद अन्नी नसीद जब राष्ट्रपति थे। जब ये दो घटनाएं हुई, एक तो शराब वाली मैंने बताई और दूसरा वहां के मुख्य न्यायाधीश को जब हटाया गया, तो इसी दौर में वहां की एक लोकल अदालत ने मोहम्मद अन्नी नसीद की गिरफ्तारी के आदेश दिए और उनके लिए 7 साल की सजा डिक्लेयर कर दी। अतः इस क्राइसिस के अंदर मोहम्मद अन्नी नसीद को पद से हटना पड़ा, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जैसे गिरफ्तारी हुई, यह घटना 2012 के आसपास की है, उसके बाद मोहम्मद अन्नी नसीद के स्थान पर नए राष्ट्रपति बने वाहिद, मोहम्मद वाहिद राष्ट्रपति बने। लेकिन भारत के दक्षिण के इस छोटे से देश में, जो हमेशा भारत का हितैषी रहा, भारत के सबसे नजदीक रहा, इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को भी हिला दिया, क्योंकि मोहम्मद अन्नी नसीद जो है वो भारत समर्थक माने जाते हैं, और मोहम्मद अन्नी नसीद का गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं भारत और मालदीव के बीच में भी एक प्रकार की दूरी स्थापित करता है। कहते हैं कि जब मोहम्मद अन्नी नसीद गिरफ्तार हुए तब उन्होंने भारत से सबसे पहले सहायता मांगी, लेकिन चूंकि भारत की गुजरात डॉक्ट्रिन हो, चाहे कृष्णा डॉक्ट्रिन हो या पहले पड़ोस की नीति हो, हमारा यह सिद्धांत है कि हम किसी देश के और हमारे स्पेशली पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मोहम्मद अन्नी नसीद के दिल में
भारत के लिए थोड़ी जगह कम हुई, हालांकि भारत ने बाद में इसको कम करने का प्रयास किया। तो एक पॉइंट आप समझना, और उसके स्थान पे वाहिद बने। अब उसके बाद 2013 में मालदीव में चुनाव हुए। वर्ष 2013 में मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम के आधार पर चुनाव हुए, और वहां पर जो नए राष्ट्रपति बने 2013 के अंदर, वर्ष 2013 में मालदीव में चुनाव हुए, और इन चुनाव में अब्दुल्ला यामीन जो मैमून अब्दुल गयूम के परिवार से थे वो राष्ट्रपति बन गए। अब्दुल्ला यामीन जब राष्ट्रपति बने तो कहते हैं कि अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो मालदीव को चीन की ओर ले गया। मालदीव को चीन की ओर, मतलब अब्दुल्ला यामीन को चीनी समर्थक माना जाता है। यही कारण है कि वर्ष 2013 से लेकर 2018 के बीच मालदीव और चीन के मध्य संबंध बेहतर हुए, जिसका मुख्य कारण यामीन थे। और यामीन के कारण चीन ने मालदीव में इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसने मालदीव के मेराओ द्वीप पर भारी निवेश किया है, और कहते हैं कि वर्तमान में मालदीव जो है कि मालदीव की जितनी कुल जीडीपी है उसका 1/3 इतना बड़ा कर्ज मालदीव पर चीन का है। इसलिए कहीं ना कहीं श्रीलंका की तरह मालदीव भी चीन के ऋण जाल में फंसा हुआ है, अतः उसे ऋण जाल से निकालना भी भारत के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि चीन अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिंद महासागर में जिस मैरिटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो म्यांमार के कोको द्वीप, बांग्लादेश के चटगांव, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का मेराओ, पाकिस्तान के ग्वादर बंदर का को जोड़कर एक मैरिटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है, जिसको मैंने बहुत बेहतर तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। अगर चीन अपने एमएसआर में सफल होता है, मैरिटाइम सिल्क रूट में सफल होता है, तो इसका अर्थ होगा चीन का मालदीव पर भी नियंत्रण स्थापित होना। और भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जीएमआर, जिसके लगभग 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को यामी ने कैंसिल कर दिया और उसे चीन को दे दिया। इससे भारत चीन भारत मालदीव संबंधों में एक प्रकार की खटास पैदा हुई। जबकि जब जब मालदीव में संकट पैदा हुआ, तब तब मालदीव की मदद करने वाले देशों में भारत सबसे आगे था। इसलिए अब्दुल्ला यामीन जो राष्ट्रपति बने उस समय 2013 से लेकर 2018 के बीच में भारत मालदीव संबंध जितने बेहतर होने चाहिए थे उतने बेहतर नहीं रहे, बल्कि यहां पर चीन का दबदबा बढ़ा। जब चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा था तो हमारी मोदी सरकार ने इसी समय में एक नई रणनीति स्थापित की, जिसको हम कहते हैं इंडो प्रशांत स्ट्रेटजी, हिंद प्रशांत रणनीति, जिसके अंतर्गत भारत श्रीलंका, मालदीव, सेसेल्स, मेडागास्कर और ईरान के छाबाहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। इसलिए वर्तमान में भारत का मालदीव के साथ जो नया रिलेशन है वो कहीं ना कहीं भारत की इंडो प्रशांत रणनीति का भी एक हिस्सा है। तो इस पूरे ड्राफ्ट को हमें देखना होगा कि किस प्रकार से हमें बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम आगे बढ़े
और आपसे पूछे कि मालदीव में सबसे अधिक समय तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो उत्तर होगा मैमून अब्दुल गयूम का। इससे जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा मैमून अब्दुल गयूम के कार्यकाल की। तो वो है कि जब मैमून अब्दुल गयूम राष्ट्रपति थे तब तीन बार इनको पद से हटाने के लिए और मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विद्रोह हुए। उसमें से एक जो है, एक विद्रोह हुआ तब भारत सरकार ने वहां पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किस देश से है, तो उत्तर होगा मालदीव से। और ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया, भारत के द्वारा। भारत द्वारा मालदीव में उत्पन्न राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ऑपरेशन कैक्टस। और ये घटना कब की है, तो ये घटना नवंबर 1988 की है। ये घटना नवंबर 1988 की है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर ये चलाया था। और हुआ क्या था कि नवंबर 1988 में एलटीटी, जिसको हम लिट्टे कहते हैं, जो श्रीलंका में बहुत ज्यादा सक्रिय था, उस लिट्टे ने, एलटीटी ने मालदीव की राजधानी माले पर कब्जा कर लिया था। और इसमें भूमिका थी प्लॉट की, PLOTE, ये ग्रुप है एलटीटी का, जिसने वहां पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और यदि एलटीटी वहां पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करती, या हो सकता है कि उसमें मालदीव के कुछ राजनीतिक दल इसके साथ मिले हुए हो, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं जाना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन कैक्टस क्या है। तो नवंबर 1988 में जब एलटीटीई के ग्रुप ने, प्लॉट ने माले पर कब्जा जमाने का प्रयास किया, तब भारत सरकार ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस को चलाकर इस राजनीतिक संकट का समाधान मालदीव के लिए किया था। इसलिए मालदीव इस बात को समझता है कि सांस्कृतिक रूप से भारत अधिक नजदीक है, और जब जब मालदीव में किसी प्रकार का संकट पैदा हुआ है तब सबसे अधिक तैयार जो देश रहा वो भारत रहा है। यहां तक कि आप देखिए, अभी 2 साल पहले मालदीव में पेयजल संकट पैदा हुआ, पीने के पानी की समस्या पैदा हुई। भारत सरकार ने जितना प्रयास पीने के लिए भारत के किसी राज्य के लिए नहीं किया, उससे ज्यादा भारत सरकार ने बोतल बंद पानी का एक बड़ा जहाज भर करके बाय प्लेन इंडिया से मालदीव भेजा, ताकि मालदीव में किसी प्रकार का वाटर क्राइसिस पैदा ना हो। इसलिए आप देखिए, भारत कहीं ना कहीं अपने पहले पड़ोस की नीति को हमेशा से मानता रहा है। वो चाहे नेपाल हो, नेपाल में जब भूकंप आया तो वहां पहुंचने वाला पहला देश भारत था। इवन जब पाकिस्तान के अंदर भी भूकंप आया था, तब भी वहां पहुंचने वाले देशों में और मदद करने वाले देशों में भारत सबसे आगे था। इसी प्रकार श्रीलंका के अंदर भी उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट में भारत की भूमिका रही है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं कि ऑपरेशन कैक्टस जो है वो 1988 में भारत सरकार द्वारा अपनी सेना के माध्यम से चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसके द्वारा मालदीव को बचाने का प्रयास किया गया। तो ये सब पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे चले और थोड़ा सा करंट अपडेट हम देखें। करंट अपडेट ये है कि वर्ष 2018 के पहले जब अब्दुल्ला यामीन का कार्यकाल खत्म होने वाला था, तब उन्होंने भी न्यायपालिका से टक्कर ली। मालदीव की संसद के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। इससे एक बार फिर एक वैसा ही माहौल पैदा हुआ जो मोहम्मद अन्नी नसीर के खिलाफ हुआ था। कुल मिलाकर जो माहौल पैदा किया गया अब्दुल्ला यामीन ने और वहां की न्यायपालिका के साथ और संसद के साथ जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, वो उनके अगेंस्ट में गया
और मालदीव की जनता सड़कों पे आ गई और नतीजा मालदीव में जो 2018 में चुनाव हुई उन 2018 के चुनाव में मालदीव में मोहम्मद अली नसीर की जो पार्टी है उसका नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने मालदीव में वर्ष 2018 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उन राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता प्राप्त की है और MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद इब्राहिम सोली लिखा हुआ है और कई जगह पे सहलील भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही आप सही मान लेना, ये वर्तमान में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। और यहां पर आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि एनडीपी किसकी पार्टी है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश है, तो एनडीपी जो है, जो मैंने कहा था 2018 में एक पत्रकार मालदीव का राष्ट्रपति बना जिसका नाम था मोहम्मद अन्नी नसीद, उस नसीद की ही पार्टी है एनडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद इब्राहिम सोली मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। तब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है, क्या कि सर मोहम्मद अन्नी नसीद खुद क्यों नहीं बने? तो आप लोग ध्यान रखना कि उनके ऊपर जो केस चल रहा है जिसके कारण वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, इस कारण उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद इब्राहिम सोले को राष्ट्रपति घोषित किया है। और चूंकि एमडीपी पार्टी के ही है वो मोहम्मद इब्राहिम सोले जो राष्ट्रपति बने हैं, और मोहम्मद इब्राहिम सोले के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से भारत मालदीव संबंधों में एक नई उमंग और उत्साह देखने को मिलेगा और देखा जा रहा भी है, कारण कि मोहम्मद इब्राहिम सोले एमडीपी के हैं और एमडीपी मोहम्मद अली नसीद की पार्टी है जो भारत समर्थक माने जाते हैं। इसलिए वर्ष 2018 में ही जो चुनाव हुए और उसके बाद वर्ष अप्रैल 2019 के अंदर मालदीव की संसद के चुनाव हुए और वहां मालदीव में संसद को मजलिस कहा जाता है, संसद को मजलिस कहा जाता है, और उसके चुनाव में भी एमडीपी ने 87 सीटों में से 65 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। मतलब आज की तारीख में मालदीव के अंदर राष्ट्रपति भी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का है, जबकि वहां का राष्ट्रपति भी, वहां की संसद में बहुमत भी एमडीपी का है। और एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंध भारत के साथ बहुत बेहतर है, इसलिए आने वाले वक्त में यह आशा व्यक्त की जा रही है कि भारत मालदीव संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और सबसे बढ़कर बात जो है वो है कि वर्ष 2019 में जब भारत में चुनाव हुए संसद के और उसमें बीजेपी गठबंधन ने बहुमत प्राप्त करके हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बने, तो उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा मालदीव की और इस बात का संकेत दिया कि मालदीव छोटा जरूर है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, ताकि भारत मालदीव के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए जा सके। तो ये पॉइंट भी आप स्पेस ध्यान रखना। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा कुछ पॉइंट्स पे भारत मालदीव में, वो है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण क्यों है, भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण क्यों है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना हो तो उत्तर क्या लिखोगे? तो मेरे दृष्टिकोण से जब आप इसकी शुरुआत करो तब इस प्रकार से लिखना, भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागरीय प्रवाल द्वीप समूह मालदीव भारत का अत्यंत
महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जो भारत की भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मतलब उसकी जो जियो पॉलिटिकल पोजिशन है वो महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछे कि भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहला उत्तर होगा मालदीव की भू राजनीतिक स्थिति, जियो पॉलिटिकल पोजिशन, और दूसरा हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित होना, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित होना। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा नीले जल की नीति को बढ़ावा देना, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने बंदरगाहों और पोताशों के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में भी अपनी मैरिटाइम बेल्ट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और समुद्र में स्थित द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है, तो इसे उसकी नीले जल की नीति भी कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। और नीले जल की नीति से बनती है आपकी नीली अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, ये नीले जल की नीति जो है ये आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगाल से भी संबंधित है, और आज की तारीख में नीला जल या ब्लू इकोनॉमी जो है वो बेसिकली जब हम द्वीपीय प्रायद्वीपीय बंदरगाहों के साथ बल देते हैं तो उसमें आती है, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ चीन की जो ओबोर प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में अपने मैरिटाइम सिल्क रूट को मजबूत कर रहा है, अतः चीन के मैरिटाइम सिल्क रूट को प्रति संतुलित करने के लिए भी भारत के साथ मालदीव का होना अत्यंत आवश्यक है। एक पॉइंट आपका आएगा, मालदीव जो है वो सार्क का संस्थापक सदस्य है, और सार्क दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, हालांकि वर्तमान में बिम्स्टेक की महत्ता बढ़ रही है, लेकिन अगर सार्क की इंपॉर्टेंसी कम हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं होगा हम मालदीव की इंपॉर्टेंसी को कम कर दें। अगर हमने मालदीव की इंपॉर्टेंसी को कम करने का प्रयास किया तो इस स्थिति में पाकिस्तान और चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए भारत को मालदीव को अपने साथ जोड़ने के लिए संगठनात्मक रूप से भी मजबूत करना चाहिए, ताकि मालदीव में चीनी घुसपैठ को रोका जा सके। साथ ही साथ भारत की जो इंडो प्रशांत रणनीति है, इंडो प्रशांत रणनीति का मैंने थोड़ा समझाया आपको चीन वाले पार्ट में, और मैं अलग से भी लूंगा कि भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय देश है उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास लगातार कर रहा है, तो इन तमाम दृष्टिकोण से भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप जोड़ सकते हो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, नौसैनिक अभ्यास के लिए नेवल एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, और भारत और मालदीव को जोड़ने के लिए ऐसे प्रयास भी होने चाहिए ताकि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा सके, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, जहां एक और भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, मालदीव की जनसंख्या मात्र 4 लाख है। मालदीव का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कई गुना कम है, लेकिन हमें क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर नहीं देखना है, बल्कि बराबरी के आधार पर देखना है, ताकि भारत मालदीव संबंधों को नई दिशा देकर इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान को प्रति संतुलित किया जा सके। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि आपसे अलग से क्वेश्चन ये पूछ रहे कि मालदीव में चीन की दिलचस्पी क्यों है,
मालदीव में चीन की दिलचस्पी क्यों है? तो उत्तर वही होगा जो मैंने आपको बता दिया है कि चीन हिंद महासागर में मैरीटाइम सिल्क रूट का विकास मोतियों की धागा रणनीति के माध्यम से कर रहा है, मोतियों की धागा रणनीति के माध्यम से कर रहा है। अतः इस स्थिति में चीन हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिस सिल्क रूट को डेवलप कर रहा है उसके लिए उसके पास मालदीव जैसे देश का होना जरूरी है। यही कारण है कि चीन ने मालदीव में भारी निवेश किया है। और एक आपसे पूछे कि चीन मालदीव के किस आइलैंड को, किस बंदरगाह को हम्बनटोटा की तरह विकसित कर रहा है, तो होगा मराव बंदरगाह। उसका उत्तर होगा मराव बंदरगाह उसका जो है उसका डेवलपमेंट कर रहा है। तो दोस्तों आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था भारत मालदीव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।